आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। तो समझते हैं, पहला है गाइस बी ग्रेटफुल दैट, इसका मतलब है शुक्र मनाओ की। जैसे मान लो गाइस आप ऐसे सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे शुक्र मनाओ की वह यहाँ आ रही है, शुक्र मनाओ की मैं वहां नहीं गई, शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें पीटा नहीं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस गाइस आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक सेंटेंस एग्जांपल, शुक्र मनाओ कि मैं वहां गया। समझते हैं गाइस सबसे पहले इसका रूल यानी स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है बी ग्रेटफुल दैट प्लस यूज करना है सेंटेंस। अब सेंटेंस गाइस आपका कैसा भी हो सकता है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। समझते हैं एग्जांपल से, शुक्र मनाओ कि मैं वहां गया। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट। इसके बाद लगाना है गाइस सेंटेंस। सेंटेंस आपका क्या है, सेंटेंस है मैं वहां गया। अब देखना है कि ये सेंटेंस गाइस आपका कैसा है। ये सेंटेंस है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं वहां गया, इट मीन्स आई वेंट देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस बी ग्रेटफुल दैट आई वेंट देयर, इट मीन्स शुक्र मनाओ कि मैं वहां गया। अगला सेंटेंस है शुक्र मनाओ कि आप वहां नहीं गए। तो सबसे पहले यूज करना है बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप वहां नहीं गए। ये सेंटेंस है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। गाइस डिड नॉट को शॉर्ट में आप कह सकते हो डिडंट, आप वहां नहीं गए, इट मींस यू डिडंट गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस बी ग्रेटफुल दैट You didn't go there. It means शुक्र मनाओ कि आप वहां नहीं गए। अगला सेंटेंस है शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें नहीं पीटा। तो सबसे पहले गाइस आपको अकॉर्डिंग टू रूल यूज कर देना है बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने तुम्हें नहीं पीटा। ये भी सेंटेंस गाइस आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर का है, तो ही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उसने तुम्हें नहीं पीटा, इट मींस ही डिडंट बीट यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू, इट मींस शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें नहीं पीटा। अगला सेंटेंस है शुक्र मनाओ कि वह नहीं जा रही है। तो सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह नहीं जा रही है, इट मीन्स शी इज नॉट गोइंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस बी ग्रेटफुल दैट शी इज नॉट गोइंग, इट मींस शुक्र मनाओ कि वह नहीं जा रही है। अगला सेंटेंस है शुक्र मनाओ कि मेरी बहन आ रही है। तो सबसे पहले बी ग्रेटफुल दैट, बी ग्रेटफुल दैट। इसके बाद लगाना है गाइस सेंटेंस। सेंटेंस आपका मेरी बहन आ रही है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मेरी बहन आ रही है, इट मींस माय सिस्टर इज कमिंग।
माई सिस्टर इज कमिंग, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, बी ग्रेटफुल दैट माई सिस्टर इज कमिंग, इट मीन्स शुक्र मनाओ कि मेरी बहन आ रही है। अगला है गाइस क्वाइटली, इसका मतलब है चुपचाप। जैसे मान लो दोस्तों आप ऐसे सेंटेंसेस भी डेली यूज करते हो, जैसे चुपचाप यहां से चले जाओ, चुपचाप वहां बैठो, चुपचाप मेरी बात सुनो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं रूल। सबसे पहले आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, इसके बाद गाइस आप लास्ट में यूज करोगे क्वाइटली। समझ लेते हैं एग्जांपल से। चुपचाप यहां से जाओ, तो सबसे पहले यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है जाओ, इट मीन्स यहां से जाओ, गो फ्रॉम हेयर, गो फ्रॉम हेयर। इसके बाद यूज करना है क्वाइटली, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, गो फ्रॉम हेयर क्वाइटली, इट मीन्स चुपचाप यहां से जाओ। अगला सेंटेंस है चुपचाप यहां बैठो, तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है बैठना, कहां बैठना, यहां बैठना, सिट हेयर। इसके बाद लगाना है क्वाइटली, क्वाइटली, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, चुपचाप यहां बैठो, सिट हेयर क्वाइटली। अगला एग्जाम्पल है चुपचाप पढ़ो, तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स स्टडी। इसके बाद क्वाइटली, तो कंप्लीट सेंटेंस है स्टडी क्वाइटली, इट मीन्स चुपचाप पढ़ो। चुपचाप लिखो यानी राइट क्वाइटली, चुपचाप पढ़ो, राइट क्वाइटली। अगला सेंटेंस है चुपचाप टीवी देखो, इट मीन्स वॉच टीवी क्वाइटली, चुपचाप टीवी देखो, वॉच टीवी क्वाइटली। तो ये हो गया गाइस आपका क्वाइटली और बी ग्रेटफुल दैट का यूज। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप एक एक सेंटेंस ये दोनों से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।